हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिक ऑफ इंडियन रसोई। आज हम एक फ्यूजन रेसिपी बनाएंगे, पनीर टिक्का पिज़्ज़ा। इसमें हम इंडियन पनीर टिक्का को पिज़्ज़ा में टॉपिंग की तरह यूज़ करेंगे। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो चलिए शुरू करते हैं पनीर टिक्का पिज़्ज़ा बनाना। लेकिन उससे पहले हमारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, और इस बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस के लिए। सबसे पहले हम पनीर टिक्का का मैरिनेशन बनाएंगे, तो उसके लिए एक बोल में एक बड़ा चम्मच बेसन लेना है। इसमें आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1/8 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 4 से 5 कली लहसुन की ग्रेट करके लेनी है, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, स्वाद अनुसार नमक, एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल। सब कुछ मिक्स कर लेना है और लास्ट में इसमें एक बड़ा चम्मच पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें 100 ग्राम पनीर लेना है जो छोटे टुकड़ों में कटा हुआ है। पहले पनीर को मसाले में मिक्स कर लेंगे और फिर 2 बड़े चम्मच प्याज जो थोड़ा मोटा कटा हुआ है, और 1/2 कप शिमला मिर्ची, मैंने लाल और पीली ली है, मोटे टुकड़ों में कटा हुआ डालना है। आप चाहे तो सिर्फ हरी भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब पनीर और सब्जियों को ढककर फ्रिज में 1/2 घंटे के लिए रेस्ट टाइम देना है। आधे घंटे के बाद एक पैन गरम करेंगे और इसमें मैरिनेटेड सब्जियां और पनीर डालेंगे और मिक्स कर लेना है। इसे बीच बीच में चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और लास्ट में इसमें 1/4 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और 1/4 चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स या ऑरिगेनो डालेंगे। मिक्स कर लेंगे और आंच बंद कर देंगे। हमारा पनीर टिक्का पिज्जा के लिए टॉपिंग तैयार है। अब यहाँ पे मैंने रेडीमेड पिज्जा बेस लिया है और इसके ऊपर 1 बड़ा चम्मच पिज्जा सॉस अच्छे से फैला के लगाएंगे। और इसके ऊपर 1 से 2 छोटी चम्मच चीज स्प्रेड अच्छी तरह से फैला के लगाएंगे। और 2 बड़े चम्मच पिज्जा चीज को फैला के डालेंगे। आप चाहे तो मोज़रेला भी डाल सकते हैं। अब इस पिज्जा के ऊपर हमने जो पनीर टिक्का का टॉपिंग तैयार किया था वो फैला के डालेंगे। इतने टॉपिंग में से आप 2 से 3 पिज्जा इजीली बना सकते हैं। और फिर से 1 बड़ा चम्मच ऊपर से कसा हुआ चीज डालेंगे। अब इस पिज्जा को आप पैन में भी बेक कर सकते हैं। मैं इसे ओवन में बेक करूंगी 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 से 12 मिनट के लिए, और ओवन पहले प्री हीट कर लेना है। मेरा पिज्जा 10 मिनट में एकदम अच्छी तरह से बेक हो गया है और ये बहुत सुंदर लग रहा है। अब हम इस पिज्जा को कट कर लेंगे। और चीजी पनीर टिक्का पिज्जा खाने के लिए तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो तैयार है एकदम ही डिलीशियस पनीर टिक्का पिज्जा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।